हे गाइस, बिट्टू आईटी हियर। तो गाइस, कल के दिन सीन क्या हुआ, मैं रैंक पुश अपना बेसिकली जैसे नॉर्मल डेली करता हूँ वैसा कर रहा था, एंड मेरी आईडी रीजन पे टॉप 4 नंबर पे भी आ गई थी। अगर आप लोगों ने गेम में चेक करा हुआ तो मेरे पास कोई न्यू स्क्रीनशॉट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ओल्ड है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, मेरा आईडी रीजन पे 4 नंबर पे चल रहा था, एंड इसमें मेरा स्कोर 17,000 दिख रहा है, बट मेरा स्कोर 20,900 कुछ हो चुका था। एंड मेरा आईडी कल गेम खेलते खेलते बैन हो गया। अभी आप मेरा आईडी को इंस्पेक्ट करोगे तो आपको मेरा आईडी ग्रैंड मास्टर पे नहीं दिखेगा, मेरा आईडी मास्टर हो गया। पता नहीं, मेरा रैंक को भी ड्रॉप कर दिया, रीजन से भी मेरे को हाइड कर दिया। कल तक मैं रीजन पे शो हो रहा था, लेकिन नाइट के कुछ 2-3 बजे के बाद से शायद मैं शो नहीं हो रहा हूँ। मास्टर कर दिया, अपने आप कर दिया यहाँ पर भी। एंड मेरा परसों के दिन ही मेरा 83 लेवल हुआ था। एंड भाई, मेरे मतलब मेरे को, मैं जितने भी लोगों से बोला कि आईडी बैन हुआ या जिनको पता चला ना, सब मेरे को कॉल करके बस यही बोल रहा, भाई तूने कुछ हैक वगैरह लगाया होगा। भाई मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि अपनी 83 लेवल आईडी में हैक वगैरह लगाऊं। भाई हैक वगैरह क्यों लगाएगा कोई अपनी मेन आईडी में। एंड गाइस, मेरा जो बैन हुआ ना भाई, जिस तरीके से बैन हुआ ना मेरे को, मतलब अगर नॉर्मल बैन होता तो उससे ज्यादा दुख मेरे को इस तरीके से हुआ। जितना बंदे को दुख होता है ना आईडी बैन होने पर, मेरे को उससे ज्यादा हुआ। गाइस देखो, सीन क्या हुआ था, मैं गेम खेल रहा था, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। मैं गेम खेल रहा था एंड मेरा आईफोन का बैटरी हो गया था बहुत लो, लगभग 10-11% कुछ उसका बैटरी था। 2 बार नोटिस आया था, एक 20% पे कि बैटरी लो है, एंड एक 10% पे। तो मैंने क्लोज कर दिया था क्योंकि मेरा चार्जर मेरे से दूर रखा था। तो मैंने बेसिकली अपने दोस्त से बोला कि भाई तू रिकनेक्ट कर ले गेम के बीच में, मैं थोड़ा चार्ज में लगा लेता हूँ चार्जर वार्जर, उसके बाद मैं खेलने आ जाऊँगा। एंड गाइज, जब मेरे दोस्त ने रिकनेक्ट करा, मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे बैठा था, रिकनेक्ट करा, तो जैसे उसने टैप टू बिगिन पे क्लिक किया ना, उसको दिखा दिया कि भाई योर अकाउंट हैज बिन सस्पेंडेड, ये आ गया। उसने बोला कि बिट भाई मतलब आईडी सस्पेंड बता रहा है। मैं कह रहा क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ, जल्दी रिकनेक्ट कर ले। वो कह रहा सच में आईडी सस्पेंड बता रहा है, क्योंकि मैं तो उस वक्त गेम के अंदर ही खेल रहा था। एंड वो बोला कि भाई रिकनेक्ट नहीं हो रहा। मैंने फिर अपने दूसरा जो एंड्रॉयड मोबाइल है एंड पीसी, जो आपको पता होगा पीसी में गेम लगता नहीं है, तो मैंने उसमें बस आईडी ओपन करने का ट्राई किया। टैप टू बिगिन पे जैसे ही क्लिक किया, उसमें भी लिख के आ गया कि देयर आर एबनॉर्मल एक्टिविटी एंड योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। भाई उस वक्त तो मतलब मेरे पैरों के नीचे से ऐसे जमीन निकल गई कि भाई मेरा आईडी सच में बैन हो गया। एंड दुख सबसे ज़्यादा इस बात का हुआ कि मोबाइल में जो आईफोन था मेरा, उसमें मेरा गेम भी चल रहा था, एंड वो मेरा आखिरी गेम था। मेरे को पता चल गया कि ये मेरा आखिरी गेम है, एंड मेरा आईडी का इस गेम के बीच में सस्पेंड हुआ है। मेरे को समझ में भी नहीं आया, मेरा गेम अच्छा खासा चल रहा है एंड वो आखिरी गेम था मेरा जो मैं खेल रहा था। कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह के भाई, ये वीडियो में पता है 6-7 बार मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी है, शायद मेरा 8वीं या 9वीं बार होगा, मैं बोल नहीं पा रहा अभी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइज, मेरा आईडी बिना वजह बैन क्यों कर दिया। एंड मैंने अभी बहुत लोगों से ट्राई किया हेल्प करने का, आपको पता होगा इस टाइम पे कोई हेल्प भी नहीं करता है। फिर भी कुछ लोगों ने मेरे को कुछ तरीके बताया, मैं उसको ट्राई करके देखा, लेकिन अभी तक मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। एंड जो गैरेना का सपोर्ट वाला सिस्टम रहता है, शायद कस्टमर सपोर्ट वाला, जहाँ पे अपन रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, उधर भी मैंने रिक्वेस्ट अपना डाल के देख लिया, उधर सबमिट लिख के आ चुका है, एंड वहाँ पे लिख के आ रहा कि सॉल्व हो चुका है, बट अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला है। अब देख लो यहाँ पे जो 13-17 घंटे कुछ लिखा है, क्योंकि मेरा आईडी सस्पेंड हुआ था उसी के 2 घंटे बाद। एंड गाइस, सीन क्या हुआ था ना, जब मेरा आईडी सस्पेंड हुआ था, मैं गेम से बाहर आया ना, तो सबसे पहले तो मैं सोचा गिल्ड का ट्रांसफर कर दूँ, गिल्ड मेरी ऑलरेडी आईडी पे ट्रांसफर थी। एंड उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने बायो में लिख दिया कि भाई आईडी सस्पेंडेड। मैंने बहुत सोचा, क्योंकि आज आपको पता होगा उस दिन डेट था 22, मतलब 2-2 नंबर आ रहे थे ना डेट में, बहुत सारे 22 डेट था, एंड फरवरी का महीना था, वहाँ पे भी 2 आ रहा था, एंड 20,022 था। तो मैं वैसा कुछ लिखना चाह रहा था कि भाई आज के इतने लकी दिन, मतलब इतने वैसे डेट के दिन मेरा आईडी सस्पेंड हो गया, बट मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने उस वक्त डाल दिया अपनी आईडी में कि भाई माई आईडी सस्पेंडेड। एंड गाइज शायद मैं वर्ल्ड का पहला बंदा होऊंगा जिसको पता चल गया था कि उसका आईडी बैन होने वाला है, एंड ये उसका आखिरी गेम है। एंड गाइज, आप अपनी तरफ से सोच के देखो, अगर आपको पता चल जाए कि ये आपका आखिरी गेम है एंड इसके बाद आप गेम ही नहीं खेल पाओगे, आईडी सस्पेंडेड है, तो आपको जान के ये कैसा लगेगा। गाइज, मेरा आईडी बिना वजह बैन हुआ है, बिना रीजन के, कोई रीजन भी नहीं है, ना ही कुछ गलत मेरी आईडी में यूज हुआ है कि भाई एंटीना लगाया हो या कॉन्फिग फाइल वगैरह किसी तरह का कुछ भी नहीं लगा, पूरा फेयर आईडी था मेरा, बट बैन हो गया। एंड गाइज, अभी के टाइम पे तो मैंने कुछ लोगों को मैसेज किया जो मेरे से थोड़ा बहुत बात करते हैं, मैसेज किया कि भाई मेरा आईडी बैन हो गया, कोई सॉल्यूशन वगैरह, तो कोई रिप्लाई नहीं आया, उनने तो मैसेज तक सीन नहीं किया। मैंने कुछ मॉडरेटरों को मैसेज वगैरह किया तो भाई उधर से सीन करके छोड़ दिया। एंड मैंने किसी यूट्यूबर के थ्रू बुलवाया तो उधर से बोल दिया कि भाई कांट हेल्प सॉरी। ये नहीं कह रहा कि भाई मेरा आईडी अनबैन कर दो, कम से कम एटलीस्ट एक बार रीचेक तो कर लो। भाई कोई बंदा अपनी आईडी पे 3 साल से खेल रहा है, 3-4 साल से उसका मेन आईडी है,
एंड मेरा आईडी 8 डिजिट का भी था, बहुत पुराना आईडी था, मतलब बहुत लिमिटेड आईडी है जो 8 डिजिट के रहते हैं। एंड इस आईडी से अभी तक मैंने 6 टाइम ग्लोबल भी कर चुका हूँ टॉप 1 पे, एंड ये मेरा 7 टाइम था। एंड अगर अभी आप मेरे रीजन में मेरी स्पीड देखी होगी तो मैं टॉप 100 में भी नहीं था। मैं पता है गाइस नॉन स्टॉप में खेल रहा था, दो दो दिन से मैं खेल रहा, मेरा दोस्त खेल रहा, भाई कोई सो भी नहीं रहा था, सब लोग अपना आईडी पे टाइम दे रहे थे ताकि भाई कैसे भी करके टॉप हो जाए जल्दी से जल्दी। एंड टॉप 4 भी आ चुके थे, मतलब आपको पता होगा 2 दिन पहले जो टॉप 1 वाले से हमारा डिफरेंस चल रहा था वो 16,000 का था, एंड जब कल आईडी बैन हुआ ना उस वक्त कुछ 7,500 का था, मतलब शायद 3 या 4 दिन और लगते टॉप 1 आने में, ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता। एंड हमने सोचा था भाई टॉप 1 अगेन हो जाएगा, बट अभी क्या कर सकते हैं भाई, हमको भी नहीं पता था कि एकदम से आईडी बैन हो जाएगा बिना वजह, भाई जो चीज सोची नहीं थी वो चीज हो गई। इस वक्त के टाइम से ना भाई मेरा गेम से दिमाग खराब हो गया, भाई कल से ना तो सोया हूँ ना गेम खेल रहा हूँ, थोड़ा बहुत नींद आई है पता नहीं भाई कैसे आई है, अभी दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा भाई। यहाँ तक कि जो मेरे बंदे थे दोस्त लोग जो हम लोग ग्रुप वगैरह बनाते भाई रोने लग गए कि भाई आईडी क्यों बैन हो गया, कि भाई दुख सबसे ज्यादा इस बात का हो रहा है ना कि टॉप 1 बस होने वाला था, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होने वाला था, टॉप 1 सिर्फ 3 दिन और लगते उतने में टॉप 1 हो जाता। एंड प्लस हमने कुछ गलत यूज भी नहीं किया ना आईडी में, कि अगर कुछ गलत वगैरह करते तो बैन होता तो इतना नहीं होता कि हाँ हमारी गलती थी, बट बिना गलती भाई अगर मतलब आईडी हमारी गलती होती तो बुरा नहीं लगता कि हाँ हम लोगों ने कुछ गलत किया तो बैन होना सही है, बट बिना गलती के आईडी बैन हो जाना भाई यहाँ पे बहुत दुख लग रहा है। एंड मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आईडी बैन हो गया। एंड सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि मैं आखिरी गेम खेल रहा था एंड मेरे को पता चल चुका है कि मेरा आईडी बैन हो चुका है, एंड मेरे पैरों से गाइस जमीन खिसक गई। मेरा कुछ समझ में नहीं आया कि अब वो मेरा आखिरी गेम है, अगर आईफोन में जो आईफोन मैंने बताया था आईफोन में गेम चल रहा था क्योंकि उसका बैटरी भी लो था, इसी वजह से मैं रिकनेक्ट करा था। मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे गेम रीस्टार्ट हुआ मेरा तो फिर भाई मैं नहीं खेल पाऊंगा, मतलब आईडी सस्पेंड हो जाएगा क्योंकि गेम से बैक आया हूँ, यहाँ पे ऑन है अभी। बट मैं इस बीच में ये भूल गया कि मेरे को मोबाइल चार्ज में लगाना था अपना, क्योंकि मेरा आईडी बैन हुआ ना इस खबर को सुन के, एंड मैंने जब चेक किया मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मैंने एक दो लोगों से ग्रुप में बुला के बात भी की, बोला कि भाई आईडी बैन हो गया एंड मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, एंड इतने में मेरा मोबाइल हो गया स्विच ऑफ, क्योंकि आईडी बैन के न्यूज़ सुन के मैं भूल गया था मेरे को आईफोन चार्ज में लगाना था। एंड मैंने जब रीस्टार्ट मारा तो एप्पल का मोबाइल में, इसी में देखो नीचे नाम भी आईडी आ रहा है और लोगों के साथ, एंड ऊपर 10% है भाई, मेरा बैटरी भी लो हो गया। एंड कल की बात है भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूं भाई, काफी लोग तो हेल्प भी नहीं कर रहे हैं भाई, एटलीस्ट मेरा आईडी रीचेक तो हो जाए क्योंकि कुछ गलत यूज ही नहीं हुआ है, बिना वजह बैन हुआ एंड गेम के बीच में बैन हो गया भाई। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, मेरा दिमाग कभी चल नहीं रहा। हो सके तो गाइस इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा।